ತೀರ್ಮಾನ ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಗ ಊರ್ನೂರ್ದು दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपको वेलकम करते हैं हमारी आज की नई वीडियो में। हमारी जो लास्ट वीडियो कांतारा मूवी का हमने क्लाइमेक्स सीन आपको दिखाया था, उस पर रिएक्शन दिया था, तो उस सीन पे बहुत प्यार आया, बहुत उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छी व्यूअरशिप आई है उस पर। तो आज हम उसी मूवी से आपके लिए एक और सीन लेकर आए हैं, द बिगनिंग ऑफ कांतारा। जी, हमने लास्ट जो देखी थी वो क्लाइमैक्स था, लेकिन आज हम देखेंगे उसकी बिगनिंग, स्टार्ट कैसा हुआ है उसका, वो कांतारा बेसिकली है क्या। तो फटाफट वीडियो की तरफ जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर वी गो, 3 2 1 देखें जरा। नहीं, वो ही लग रहा है उसका बाप है। अच्छा, उसका बाप है। ये वहाँ रोल भी उसने किया हुआ है, बाप का रोल भी उसने किया। ये जायदाद और ये धरती, ये सब इन गांव वालों का नहीं है। क्या बकवास कर रहा है, चुप हो जा। आपका नहीं है ना, मेरा है, और मुझे ये सब वापस चाहिए। बड़ा बड़े प्रार्थने, बड़ा बड़े प्रार्थने को तिना रहे। निम जाग ना इंद्र से कोड़ते ने, और ना जाग ना निम इंद्र से कोड़ते ने। सही है, मतलब लॉर्ड है, भगवान का ही काम कर रहा है उनका ही वो है फंक्शन है। अच्छा, तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, इसका फैसला जहाँ होगा मैं वहाँ जाऊंगा। बेटा ऐसा जो लास्ट में नहीं है, वो नई प्लानेट में दिख रही, वो है बाप की जगह का। कांतारा लिखा हो भाई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जंगल को रोशनी नहीं दे रही थी बल्कि और अंधेरा कर रही थी। और वो साहेब, साहेब तो कोर्ट की सीढ़ियों में ही खून की उल्टी करके मर गए। हाँ जी, ये थी जनाब द बिगनिंग ऑफ कांतारा। ये बेसिकली उनका, हमने जैसा आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये उनका कोई लॉर्ड कह लें या उनका कोई ट्रेडिशनल भगवान टाइप वो चीज़ कह लें, तो वो था। ये बेसिकली इसमें होती है, उन्होंने एक जमीन किसी ने ना पुराने राजा ने जमीन उनको दी होती है, गांव वाले वापस मांग लो। हाँ, सुकून के लिए कि अब मैं आपको सुकून की, राजा को सुकून नहीं होता, उसकी लाइफ में टेंशन ही टेंशन, तो उसको कहता है कि इसके अगेंस्ट तुम गांव वालों को जमीन दो ताकि हमारे लिए कुछ छोटी के तौर पर कुछ हो। तो ये वो बंदा जो एंड पे मरता हुआ दिखाया गया है, वो जमीन वापस मांग रहा होता है बेसिकली अपनी, वो राजा की फैमिली से होता है। तो वो उन्होंने दिखाया कि जो प्रॉमिस हैज टू बी कैप्ट प्रॉमिस्ड, तो बड़ी कह लो कि गूज़बम्प वाली चीज थी ये, बड़ा मजा आया देख के। आपको कैसी लगी, कैसा रिएक्शन लगा हमारा, और ये सीन कैसा लगा, और हमें अपने लाइक से और सब्सक्राइब बटन से जरूर बताइएगा। तो चलिए, इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आ देखें जरा।